अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया का आखिरी स्मार्ट लगा फिर आपके सामने हाजिर है। हाँ जी, तो ये है कि सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है कि अभी जो है वो मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि आज जो है 13 अगस्त है और आज जो है इवेंट है। तो चलें ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे के समाचार क्या है। तो स्टार्ट दी न्यू ब्लॉग। हाँ जी, तो ये है कि अपना अभी इवेंट में आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से इवेंट है। 13 अगस्त की रात है और 14 अगस्त का ये इवेंट है। अभी हम आए हुए हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त ब्लॉगर हैं, वो भी जैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं अभी, सदाबहार ब्लॉग। तो ये भाई इवेंट में इन्होंने इन्वाइट किया था आज, तो इनका इवेंट है। तो अभी जैन भाई परफॉर्म देखने के लिए रेडी है आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए कि क्या होने वाला है। तो चले जी, ये है कि अभी इवेंट आ चुका है और हमारे पार्टनर जुबैर शकूर साहब भी मौजूद है हमारे साथ, वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो अभी चले फिर जो है बात करते हैं आपसे इवेंट के बाद। मुझे एक और इवेंट में जाना है और वो देखें वो कहाँ जाके बैठे हैं, अब ये चेक करें। तो चले यहीं बैठते हैं अभी और उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं है बस इसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई। यहाँ से आप ये चेक करें कि ये स्टैट लगा हुआ है। तो चलें फिर ये है कि अब यहाँ पे परफॉर्म करके फिर जो दूसरा इवेंट है वहाँ पे जाना है, उसके बाद जो आपसे बात करना है। ये भी शेर है, तुम्हारे लिए भी शेर है सुना कि भाई कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं। पहली बार देख रहा हूँ इंसानों में भी गधे के बच्चे होते हैं। अगर इसका कोई माली ना हो वो ससुराल ही कर, इसमें कोई साली ना हो वो दरबार ही कर, इसमें कवाली ना हो वो 14 अगस्त का इवेंट ही कर जिसमें आप सबकी ताली ना हो। क्या बात होता है ना, आजकल की जो लड़की है ना कसम खुदा की मेरिज अरेंज मैरिज में फर्क है क्या? किसी की अरेंज मैरिज होती है ना वो रोटी पकाती है उसकी रोटी फूलती है, और जो लव अरेंज होती है ना उसकी शादी हो जाती है लव की उसका मुंह फूलता है। हाँ जी, तो ये है की अपना पप्पी के घर पे आया हूँ और भूख लग रही थी, रास्ते में ही घर पड़ता है तो मैंने सोचा खा लूँ मैं। और तो मेरी आवाज़ जो बैठ चुकी है आप देख रहे हैं, माइक जो था पता नहीं कैसा था, मेरी आवाज़ बैठ गई है। अभी जो है अब 5 नंबर के पार्क के इवेंट में जा रहा हूँ, तो ये आप चेक करें खाना आ गया, तो अब खा के जो है फिर मैं आ जाऊँ, तो वेट करें फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है तो 5 नंबर के पार्क में हम आ चुके हैं, आप वो देखें इवेंट। और ये आसिफ नवाज साहब हमारे, ये देखें इतनी लाइट में भी नजर नहीं आ रहा, आप ये चेक कर आ गया। और ये हमारे बहलुल है, पप्पी के घर गया था तो मैंने बोला इसको ले लो, बच्चे का एंजॉयमेंट हो जाएगा, तो वेदांत भाई को भी साथ में ले लिया हमने। चले ये अभी आ गए और अब देखते हैं क्या समाचार है, क्योंकि वहाँ पे इवेंट सजा हुआ है भाई। जो हो गया ऑर्गेनाइजर भी है शो का और बहुत अच्छा सिंगर भी है, उसकी एंट्री है, उसके बाद समीर भाई हमारी परफॉर्मेंस सही है। चले फिर जो है आपसे बात करते हैं, वेट करें। लाया हूँ प्यार की सौगात, लाया हूँ आप सबको हंसाने के लिए बंदर साथ लाया हूँ। आपके लिए भी एक शेर है, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, हमें केले कच्चे होते हैं, नागा बात में लाइट नहीं होती, जमी वहां ऐसे बच्चे होते हैं। इरशाद पहले अबे ये किसका गुब्बारा घूम रहा है यहाँ पे, ये किसके बल्ले पैसे भाई इसको उतारो। अबे बेटा मम्मी पेशान में नहीं आ रही, मेकअप में होगी, ढूंढ ले कहीं ना कहीं बैठी होगी। वैसे भाई कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, पहली बार देख रहा हूँ इंसानों में भी गधे के बच्चे होते हैं। हड्डियां फंसनी है एक करती है। वैसे अपनी बेगम को कह रहा है जानू अगर मुझे एक दिन के गवर्नमेंट मिल जाए मैं मुल्क बदल दूँ, इसकी बेगम क्या कह रही है, पहले सलवार बदल ले सुबह से मेरी पहन के घूम रहे हो।
कल मेरे साथ चला गया शॉपिंग मॉल, एक लड़की को देख के छेड़ने लगा, लड़की ने पलवल के नाना थी, मुझे क्या कहना, देख 5 बजे का टाइम दिया 5 बजे। आज कुत्ते पर लाइटा क्यों लगा, केला का 14 अगस्त है, सबको पता चले मैंने 125 ली है, मोबाइल फोन तो है। आपको पता है जिंदगी में वही लड़की आगे बढ़ती है जो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाने वाली हमेशा पीछे आती है। वो कैसे हुए गगन बोल पड़े, हम सबके वो गीत लिखूं के ताजमहल बोल पड़े, आज तेरी याद ने कुछ इस तरीके से अंगड़ाई ली सिकंदर के दिल के सोए हुए जख्मों के कमल बोल पड़े। क्या बात है, एक शेर आखिरी में भी अर्ज करूंगा, मेरे फादर का शेर है, और ये जो है ये ब्लॉग बन रहा है तो ब्लॉगिंग भी मैं करता हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो भाई मेरे फादर का शेर बड़ा अच्छा शेर है कि दिल तोड़ने वाला दिल का दर्द क्या जाने, दिल तोड़ने वाला दिल का दर्द क्या जाने, इश्क के रस्म और रिवाज ये जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, 10 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो YouTube पे मेरा चैनल है सिकंदर सुनम ऑफिशियल, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, उस पर भी ये 14 अगस्त के हवाले से ब्लॉग होगा, तो ताजी होनी चाहिए भरपूर अगर मजा आया हो तो। हाँ जी, तो ये है अपना यहाँ से इतनी हो चुकी है, अब जो है मैं निकल रहा हूँ, फिर जो है आपसे बात करता हूँ मैं, क्योंकि आवाज़ जो है बहुत बैठ चुकी है, बैठ गए फिर मैं बात करता हूँ। हाँ जी, तो ये है कि अब शो वगैरह से फ्री होने के बाद जो है अब खाने के लिए आए हुए हैं, ये आप चेक करें कि ये आया हुआ है भाई, खाना आ चुका है, फैजान और फैसल हम खाली 3 ही आए हुए हैं, क्योंकि हम तीनों को ही भूख लग रही थी, बाकी निकल गए सीधी हो, तो अभी बैठे हुए हम तीनों भाई, खाना आ चुका है, तो चलें फिर जब खा लें फिर बात करते हैं। हेलो, हमारे दरमियान सिकंदर के दोनों बच्चे मौजूद हैं, तीनों, उनके लिए तालियां होना चाहिए, अभी इंट्री करेंगे। सिकंदर सलम के तीनों बच्चे माजल्ला आमिर भाई के पास तालियां होना चाहिए। आज तो ये है कि अपना कल का व्लॉग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और 14 अगस्त है, और 14 अगस्त वाले दिन देख लें लाइट नहीं है, और यहाँ पे ये विचार है, देखें अपनी आज़ादी जो है कैसे सेलिब्रेट करें, तो बताएं ये सेलिब्रेट कैसे करें, और ये देखें पीछे काले जो है बम फाड़ रहे हैं, ये बम फाड़ रहे हैं, इनको तमीज़ ही नहीं है क्या करें, और ये देखें शाहरुख आए हुए हैं जो लाइट में भी नज़र नहीं आ रहा, आप ये देखें, देखें ये देखें आप, ये बंगाली भी यहाँ पे पाकिस्तान की आज़ादी बना रहे हैं, अब ये चेक करें, तो चले जी ये है कि अभी भाई लाइट है नहीं, और ये आज़ादी हमारी है, आप चेक करें हमारा मुल्क, फिर भी हमें इससे प्यार है, ना बिजली ना पानी की आज़ादी, ना बिजली ना गैस, फिर भी हमें पाकिस्तान से प्यार है। हाँ, तो चले जी ये है कि फिर जो आपसे बात करते हैं, वेट करें फिर जो बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना इवेंट में आए हुए हैं, और ये है कि अभी इवेंट हो गया, फ्लैट के अंदर है, और जबरदस्त पे अपना फैमिली शो है, और चले अभी ये अभी मैं आया हूँ, और डांसरों की अभी परफॉर्म है, उसके बाद हमारे परफॉर्म है, देखते हैं फिर जो है अपना क्या समाचार है, फिर आपसे बात करते हैं। तेरे कमल को हम गुलाब बना देते, तेरी नजर को हम गजल बना देते, अगर हमारा प्यार सच्चा होता ना तो पाकिस्तान में भी ताजमहल बना देते। क्या बात कि भाई कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, वो आटे के रही है, हां मेरी क्या बात कि भाई कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, पहली बार देख रहा हूं इंसानों में भी गधे के बच्चे होते हैं।
तो मेरी कैसे। अच्छा जी, ये है कि अपना व्लॉगिंग भी मैं करता हूँ, तो साथ में ये जो है व्लॉग भी अपना मैं बना रहा हूँ अपना, और ये मेरे फादर का एक आखिरी शेर में अर्ज करूंगा कि वो अच्छा लगे तो तालियां जरूर होनी चाहिए, कि दिल तोड़ने वाला दिल का दर्द क्या जाने, दिल तोड़ने वाला दिल का दर्द क्या जाने, इश्क के रस्म और रिवाज ये जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, 10 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने। तालियां होनी चाहिए भरपूर, और थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हमारा काम। तो यूट्यूब पे भी जो है हमारा चैनल है। हाँ जी, तो ये है कि अपना रात को जो है वो इवेंट वगैरह से फ्री होके मैं घर आ गया था और बड़ा थक गया था, मैं सो गया था, अभी मैं उठा हूँ यार, और अभी जो है 9:15 या 9:30 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। तो ये है कि अभी उठा मैं, मैंने टैबलेट्स वगैरह भी खाई है क्योंकि मुझे खानी पड़ती है, उसके लिए नींद करना ज़रूरी है, मुझे टैबलेट के लिए नियार मुँह खानी होती है। तो चले, यही था 14 अगस्त का एक छोटा सा ब्लॉग, 13 और 14 अगस्त का। तो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।